अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको विजिट करवाएंगे सियालकोट के करीब बने हुए एक बकरी फार्म का, कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बकरियां रखी गई हैं, ना सिर्फ राजनपुरी बल्कि मक्खी सीने और टेडी बकरियां भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा छतरे और दुम्बे वगैरह भी इसमें शामिल हैं, और भी बहुत मुख्तलिफ अकसाम की यहाँ पर रखी गई बकरियाँ। तो यहाँ पर इनसे मालूम लेंगे कि इन्होंने इस तरह मुख्तलिफ बकरियाँ क्यों रखी, क्या वजह थी, और इनमें से ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी नज़र आ रही हैं, और ज़्यादा बढ़ोतरी कौन सी कर रही हैं, कौन सी नस्लें ऐसी हैं जो कि इस इलाके के लिए ज़्यादा मौजूद नहीं हैं। तो ये सारी मालूमात लेके इस वीडियो में, और आपसे करेंगे रिक्वेस्ट कि वीडियो देखें मुकम्मल और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, की हाल है ताडा जी? ठीक है जी, ठीक ठाक हो? ठीक है जी। ते अपना नाम कीजिए? मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब, थोड़े को इस वक्त तकरीबन कितनी बकरियां मौजूद ने? तकरीबन है ना 100 को भी थी। 120 थी। ते कितने देर पहले तो यहां फार्मिंग शुरू की थी है? तकरीबन हो गया कोई महीने को, हो गया इन्हें 2-1 महीने। अच्छा, पहला सवाल ही पूछांगा, लोग सियाने कहते हैं कि जो बकरियों की फार्मिंग करो तो 5-10-15-20 तो शुरू करो, फिर उन्होंने बधाते जाओ बधाते जाओ बधाते जाओ, तो यकदम एक साथ 120 बकरियों फार्मिंग का आगाज़ किया, थोड़ा फैसला सही ही या गलत ही दसो? फैसला इन्हों का बस कोई अगे इंतजाम नहीं होया, इस तरह इन्होंने सारा माल इकट्ठा लाया, फिर हूँ इन्हों का कोई इंतजाम करो ना, चार दीवारी इन्होंने वास्ते बन रही, शेड बनेगा, हाउसियाँ बनेगी पानी वाली, टोका शोका पाने लिए, कोई इन्होंने वास्ते कोई जंतर जुंतर बीजा है, चारा शारा ए। जो भी लैके आए थे कोई बकरी जाया तो नहीं हुई? बाबी कोई हुई ने जाया। कितनी जाया हुई? 10-15 हुई ने। अच्छा, 10-15 बकरियाँ मर भी गई ने? हाँ जी। वो कि नस्ल दियाँ मरिया जी? वो सारिया नस्ल मिक्स हैं जी। बेच ओए थोड़े को कि नस्ल दियाँ बकरियाँ ने? ये राजनपुरी ने, कोई टेडिया ने जी, कोई कश्मीरी है भैया। अच्छा, हरन टाइप दियाँ? हरन टाइप जी। देखो, कोई देसी ने जी, कोई चीनी है भैया। साढ़े इलाके में लोग कहते हैं कि जी मकामी ब्रीड है, देसी ब्रीड है, या कह लो टैडी दोगली ब्रीड है, वह चंगी रहती है। हाँ, तुम पता नहीं कितों कितों किड़े किड़े रंग की बकरी लैके आए हो, तो लगता थोड़ा फैसला सही है या गलत है? ये फैसला असल इन्हों मिक्स नहीं ले आनी है, सही नहीं लेनी चाहिए सन, एक असल गर्मी इतने बर्दाश्त नहीं कर। हाँ जी, गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती, देसी चल दी ने, कोई चीनी जी, मक्खी चीनी वगैरह। हाँ जी। तुहाड़ियां बकरियां इन्नियां कमजोर क्यों ने, क्यों तुसी इन्हां नूं कोई पांदे खांदे नहीं? इन्हां दा कोई जंतर जुंतर बीजे पट्ठे। अच्छा। कोई चारा शारा इन्हां दा 2-3 घंटे फिरांदे ने सुबह। अच्छा। फिर 2-3 घंटे शाम नूं। अच्छा। ते कोई वंडा वुंडा थोड़ा बहुत पा देंदे ने। अच्छा। ते पानी दा इंतजाम इत्थे टापे ने पे उहदे च कीता ने। अच्छा। मुसलसल इन्हों का बन जा 15-20 दिन तक, इन्हों का मुकम्मल जो कन्फर्म मुकम्मल शेड तैयार हो जाएगा 15-20 दिन तक। हाँ जी। तो 15-20 दिन तो बाद इन्हों का जो पट्ठे छट्ठे भी कहते हैं? हाँ, पट्ठे छट्ठे भी तैयार हो जाने, फिर इन्हों का कोई होर इरादा है बकरियां लाए होने का? अच्छा, मजीद बकरियां लैके आओगे? मजीद केड़ियां लियाओगे? मजीद यही मिक्स ही इरादा की खले ने सारिया। ए राजनपुरी इस इलाके कैसा रिजल्ट तुम नज़र आया, ये कोई फायदेमंद है इतने के नहीं? राजनपुरी इतने बस गर्मी की वजह तो महसूस कर दिया ने, कुछ इन्हों का माड़े हालात हो ने, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर दी, मतलब राजनपुरी इतने नहीं चल सकती। हाँ जी। पहाड़ी जड़ी वो भी इतने? हाँ जी, वो पहाड़ी इलाके ही रह सकते हैं, वो भी इतने नहीं चल सकते कर दिया। तो ताड़ा मशवरा ये क्या जड़ियाँ दोगलियाँ वगैरह जड़ियाँ ने? दोगलियाँ, देसी, चीनियाँ, वो इतने रखिया जा। अच्छा, किड़े किड़े इलाके तो बकरियाँ लैके आओ, तो किस किस रेट से लैके आए? सो सारे एक ही जगह तो ला आते हैं, मंडी चो कि मंडी तो कश्मीर वाली साइड तो ला आते हैं। अच्छा, एक ही मंडी तो? हाँ जी, एक ही मंडी तो। अच्छा, ते इन्हां दियां बीमारियां दस्सियो इधर आके, केड़ियां केड़ियां इन्हां नूं लगियां ने? सारे इन्हां नूं कोई खांसी हो जाती है, कोई जुकाम, कोई रेक शेक मारदे ने, उन्हां वास्ते फिर डॉक्टर नूं मशवरा करके ते दवाई शवाई इस्तेमाल कर दें। तुहाड़ी सब तो महंगी बकरियां विच केड़ी है? सर इन्हां दे विच वधिया ने कोई राजनपुरी ने, कुछ हरन टाइप दियां ने। हरन टाइप दियां महंगियां नहीं होणगियां? हाँ जी। ओह कश्मीरी ने? कश्मीरी। ओह किन्ने किन्ने दियां आईयां ने हरन, ओह जिहड़ियां ने कश्मीरी? सर उन्हां दा रेट है जी कोई 40-30-40 हज़ार।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਾ ਚੁਰਾ। ਸਹੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਜੁੰਤਰ ਬੀਜਿਆ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਸਹੀ। तो जी फ्रेंड्स, ये थे भाई जो अभी बता रहे थे हमें ये बकरियों के बारे में। तो जो भी भाई फार्मिंग करना चाह रहे हैं उनसे यही मशवरा है कि यार कोई एक नस्ल लो और इस तरह का मिक्सर नहीं बनाओ। मिक्सर से ये नुकसान होता है कि बाज़ुकात एक के लिए जो बेटर खुराक है आप उसे दे रहे हैं वो दूसरी के लिए नुकसानदेह होती है, तो इस तरह मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इन इलाकों में जैसे लाहौर सियालकोट वगैरह गुजरांवाला है, यहाँ पे ये राजनपुरी नहीं लेके आए जो खुसूसन प्योर राजनपुरी है, जो दूसरी नस्लें हैं जो इस इलाके की लोकल नस्लें हैं जैसे कि मक्खी चीनी और दोगली वगैरह वो लेकर आएँ। ये है जी वो कश्मीरी बकरी जिसकी अभी बात हो रही थी, बिल्कुल छोटी है, हरन टाइप। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मज़ीद भी मालूमाती वीडियोस आप तक शेयर करते रहें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।